हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर संदम फम्बीन एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अगर आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीआईडी नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो पोस्ट एबॉर्टल या प्रिपुरल इन्फेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं। इसमें इस तरीके से इन्फेक्शन होता है, जिससे इन्फेक्शन होता है कहाँ से शुरुआत, थ्रू द सर्विक्स, फिर उसके बाद वो स्प्रेड करता है लिम्फेटिक से, इफेक्ट करता है सेलुलर टिश्यू को एंड द ब्रॉड लिगामेंट के अंदर, लिम्फेटिक्स के जरिए फैलता है, फिर उसके बाद पहुंच जाता है, इफेक्ट करता है सेलुलर टिश्यू के अंदर जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट, जिसकी वजह से वहाँ हो जाती है सेलुलाइटिस। उसके बाद क्या होगा, फिर फेलोपियन ट्यूब भी इफेक्टेड होते हैं फ्रॉम आउटसाइड, म्यूकोजा जो होती है फेलोपियन ट्यूब की इफेक्टेड होती है सबसे लास्ट में, फिर उसके बाद क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब जो होती है ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडिजन बन जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या होता है, इन्फेक्शन की जो शुरुआत होती है वो सर्विक्स से होती है, फिर लिम्फेटिक्स से वो सब जगह फैलती है और इफेक्ट करती है सेलुलर टिश्यू जो कि प्रेजेंट है ब्रॉड लिगामेंट के अंदर, वहाँ पर फिर सेलुलाइटिस होती है, सेलुलाइटिस होने के बाद फेलोपियन ट्यूब इफेक्टेड होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, म्यूकोजा फेलोपियन ट्यूब की सबसे लास्ट में अफेक्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्लॉक हो जाती है फेलोपियन ट्यूब और बहुत ज़्यादा वहाँ पर मल्टीपल एडिशंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा एक्यूट सेल्पिंजाइटिस के बारे में, क्या क्या सेल्पिंजाइटिस कैसे कैसे होती है। अब हम बात करते हैं क्रोनिक पीआईडी क्या होती है। क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से आप क्या समझते हैं, क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मतलब है फेल्यूर टू रिड्यूस एक्यूट इन्फेक्शन रिजल्ट इन द क्रोनिक ट्यूबो ओवेरियन मास, यानी कि जब हमारा एक्यूट इन्फेक्शन हम रिजॉल्व नहीं कर पाते तो उसकी वजह से वहाँ पर क्रोनिक ट्यूबो ओवेरियन मास हो जाता है। इसकी वजह से पांच चीज़ें होती हैं, या तो क्रोनिक हायरोइडल सेल्पिंग बन जाए, या क्रोनिक पायो सेल्पिंग्स बन सकती है, ठीक है, या फिर बन सकता है क्रोनिक इंटरस्टिशियल सेल्पिंजाइटिस हो सकती है, या ट्यूबोवेरियन सिस्ट बन सकती है, या फिर वो ट्यूबरकुलस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। क्रोनिक हाइड्रोसेल्पिंग्स का क्या मतलब है, पायो सेल्पिंग्स बोलो या और ट्यूबोवेरियन मास और एप्सिस रेस्पॉन्ड टू द एंटीबायोटिक, पस जो होता है कंटेन करता है देयर, ये जो होती हैं पायोसेल्पिंग्स होते हैं, जो ट्यूबोवेरियन मास होते हैं या एप्सिस होती है, जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो ये रेस्पॉन्ड करते हैं, जो पस इसके अंदर प्रेजेंट था वो बन जाता है स्टराइल विद इन 6 वीक ऑफ इनिशियल अटैक, बट द डैमेज रिमेन एज क्रोनिक हाइड्रोसेल्पिंग्स और क्रोनिक पायोसेल्पिंग्स, ठीक है। वो पस तो स्टराइल हो जाता है 6 हफ्ते के अंदर ही, लेकिन जो डैमेज होता है वो रहता है एज अ क्रोनिक हाइड्रोसेल्पिंग्स और क्रोनिक पायोसेल्पिंग। जब हम एचएसटी करते हैं, जो इंटरस्टिशियल एंड होता है वो पेटेंट होता है एज द डाई कैन बी सीन इन द ल्यूमन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। हम कैसे बोल रहे हैं कि वो पेटेंट रहता है, क्योंकि डाई हमें दिख जाती है ल्यूमन के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो ये हुआ हमारा बात किसके बारे में, क्रोनिक हाइड्रोसेल्पिंग। क्या बताया हमने, क्रोनिक हाइड्रोसेल्पिंग्स, अगर कोई भी पायोसेल्पिंग्स या ट्यूबोवेरियन एप्सिस जो होती है रेस्पॉन्ड करती है एंटीबायोटिक्स से, तो पस जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो कैसा हो जाता है, स्टराइल हो जाता है, कितने दिन में, 6 हफ्ते में हो जाता है ऑफ द इनिशियल अटैक के। मगर जो डैमेज होता है ट्यूब का वो कैसा रहता है, क्रोनिक पायोसेल्पिंग्स रहता है या फिर हाइड्रोसेल्पिंग्स, ठीक है। हाइड्रोसेल्पिंग्स जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस एक्यूट सेल्पिंजाइटिस को, एंड इट इज ऑफन बायलेटरल, इट इज रिस्टोर्ड शेप ड्यू टू द एनॉर्मस डायलिटेशन ऑफ द एम्पुलरी रीजन फिल्ड विद द क्लियर फ्लूड, और इट मे बी एज लार्ज एज 15 सेंटीमीटर। द फिम्ब्रियल एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज क्लोज, द फिम्ब्रियल एंड जो होता है क्लोज हो जाता है, फिम्ब्रीज होती है इंट्रॉन, सो दैट द आउटर सर्फेस ऑफ द हाइड्रोसेल्पिंग्स इज स्मूथ एंड राउंडेड, द इंटीस्टियल एंड ऑफ द ट्यूब इज क्रूशली पेटेंट एज द डाई कैन बी सीन विजुलाइज और वी कैन से विजुलाइज इन द ल्यूमन ड्यूरिंग द हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राम, ओके। द वॉल ऑफ द हाइड्रोसेल्पिंग इज थिन एंड ट्रांसल्यूसेंट, एट टाइम द हाइड्रोसेल्पिंग इज मोबाइल एंड द एन एंड कैन अंडरगो टॉर्जन, क्वाइट ऑफन हाउएवर द अदर सर्फेस आउटर सर्फेस इज कवर्ड विद द एडिजन विच फिक्स द हाइड्रोसेल्पिंग्स टू द बैक ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड द पाउच ऑफ डगलग। तो ये हुआ हमारा क्रोनिक हाइड्रोसेल्पिंग्स के बारे में। क्रोनिक हाइड्रोसेल्पिंग्स का मतलब यही है कि इसमें जो होता है इंटरस्टिशियल एंड पेटेंट दिखता है, जब हम हाइड्रोसेल्पिंजियोग्राम हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राम पर आते हैं, क्योंकि हमें उसमें डाई दिख जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट्स थे कि ये बायलेटरल होता है, फेम्ब्रियल एंड ऑफ ट्यूब का क्लोज हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद इसमें बताया कि इंटरस्टिशियल एंड जो है ट्यूब का क्यूरली पेटेंट होता है, डाई दिख जाती है, ठीक है। वॉल जो होती है हाइड्रोसेल्पिंग की बहुत ज़्यादा थिन होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, हाइड्रोसेल्पिंग्स जो होती है मोबाइल होती है, एंड कैंडो उसमें टॉर्जन भी हो सकता है, ठीक है।
Quite often, however, the outer surface is covered with adhesions, ठीक है, which fix the hydrosalpinx, जो fix कर देती है hydrosalpinx को किसमें, broad ligament के अंदर and the pouch of Douglas के अंदर. Second one आती है इसके अंदर chronic pyosalpinx. Chronic pyosalpinx में आप क्या समझ सकते हैं इसके अंदर, इन दिस द फेलोपियन ट्यूब वॉज बिकम थिकन. वहाँ तो हमारी थिन हो रही थी, यहाँ क्या हो रही है, थिक हो जाती है विद द डेंस एडिजन एंड पस. ठीक है, ये आपको याद रखना है, जब कभी क्रोनिक पायोसेल्पिंग्स होगा तो क्रोनिक पायोसेल्पिंग्स के अंदर जो होती है हमारी फेलोपियन ट्यूब कैसे जाती है, थिक हो जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस एडिजन हो जाते हैं और पस फिल्ड हो जाती है, वो पस से पस भर जाता है. इट इज़ फिक्स टू द पाउच ऑफ डगलस विच इज़ bilateral एंड द यूट्रस इज ऑल्सो एडहेयर. पहले वहाँ पर जो थी वो फिक्स कहाँ हो रही थी, ब्रॉड लिगामेंट में इन्वॉल्व कर रही थी और पाउच ऑफ डगलस को इन्वॉल्व कर रही थी. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फिक्स हो रही टू द पाउच ऑफ डगलस, bilaterally हो रही है और यूट्रस भी एडहेयर हो रहा है. ठीक है, इनर वॉल जो होती है रिप्लेस हो जाती है बाय द ग्रैनुलेशन टिश्यू. अपेंड पायोसेल्पिंग इज फिक्स टू द पाउच ऑफ डगलस, पोस्टियर सर्फिस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड द यूट्रस बाय द डेंस एडिजन. ये आपको याद रखना है, यानी क्रोनिक पायोसेल्पिंग जब होगा तो इसमें क्या होगा, क्रोनिक पायोसेल्पिंग्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस एडिजन हो जाते हैं और वो जो होती है हमारी फिल्ड हो जाती है विद पस. उसके बाद जो इनर वॉल होती है उसकी रिप्लेस हो जाती है किससे, ग्रैनुलेशन टिश्यू से. एंड द पायोसेल्पिंग्स इज ऑफन फिक्स टू द पाउच ऑफ डगलस, ठीक है, और पोस्टीरियर सर्फिस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड यूट्रस. एंड तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें, ब्रॉड लिगामेंट, पाउच ऑफ डगलस एंड द यूट्रस बाय द डेंस एडहेशन. ये आपको याद रखना है. थर्ड वन इज द क्रोनिक इंटरस्टीशियल सेल्पिंजाइटिस. क्रोनिक इंटरस्टीशियल सेल्पिंजाइटिस में क्या होता है कि सेल्पिंग्स जो होती है क्रोनिक इंटरस्टीशियल सेल्पिंजाइटिस में जो वॉल होती हैं फेलोपियन ट्यूब के, वो हो जाते हैं थिकन एंड फाइब्रोटिक. वहाँ खाली थिक हो रहे थे इससे पहले वाले में, अब क्या हो रहे हैं, फाइब्रोस्ड भी हो रहे हैं. वॉल इज थिकन एंड फाइब्रोस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओवरी रिजल्ट इन द क्रोनिक सेल्पिंजाइटिस, देर इज नो पस इन द ल्यूमन. ये खास बात है इसके अंदर, यानी इसमें क्या हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब थिक हो गए. दूसरा पॉइंट जो एडिशनल आया इसके अंदर, फाइब्रोस्ड भी हो गए. साथ ही साथ इसमें क्या हुआ कि इन्वॉल्वमेंट हुआ ओवरी का, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्रोनिक सेल्पिंजाइटिस हुई, मगर यहाँ पर कोई भी पस का कलेक्शन नहीं होता इन द ल्यूमन. ये आपने याद रखना है. उसके बाद होती है यहाँ पर फोर्थ वन इज ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट बन सकती है. ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट में क्या है, ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, या फिर अ हाइड्रोसेल्पिंग्स कम्युनिकेट विद द फॉलिकल्स फॉलिकुलर सिस्ट ऑफ द ओवरी से. इन ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोसेल्पिंग्स जो होते हैं कम्युनिकेट करने लगते हैं विद द फॉलिकुलर सिस्ट ऑफ द ओवरी, जबकि वाइल ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस एंड द पायोसेल्पिंग्स कम्युनिकेट करते हैं विद एन ओवेरियन एब्सिस से. इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू इन दिस पैथोलॉजिकल कंडीशन. ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट में क्या होता है कि जो हाइड्रोसेल्पिंग्स होते हैं वो कम्युनिकेट करने लगते हैं विद द फॉलिकुलर सिस्ट ऑफ द ओवरी से, जबकि जो ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस होती है वो पायोसेल्पिंग्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करने लगते हैं किससे, ओवेरियन एब्सिस से. ठीक है, इन दोनों को जो होता है डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है. ट्यूबरक्लोस फॉर्म से क्या है, ट्यूबरक्लोस फॉर्म पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करेंगे हम फर्दर किसी और वीडियो के अंदर. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेजिंग की. क्रोनिक जो पीआईडी है इसकी स्टेजिंग दी थी गेंसविली ने. गेंसविली ने स्टेजिंग दी थी पीआईडी की. क्या बताया था इन्होंने, ही हैज क्लासिफाइड द पीआईडी इनटू फाइव स्टेजेस. इन्होंने क्लासिफाई किया पीआईडी को फाइव स्टेजेस के अंदर, और जिनकी स्टेजेस थी वो बेस्ड थी अपॉन द लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के ऊपर. इन्होंने स्टेज वन में बताया कि एक्यूट सेल्पिंजाइटिस होगी विदाउट पेरिटोनाइटिस, तो उसे बोलेंगे स्टेज वन पीआईडी. स्टेज टू पीआईडी किसे बोले जाएंगे, जब एक्यूट सेल्पिंजाइटिस होगी साथ में पेरिटोनाइटिस हो तो उसको बोला जाएगा स्टेज सेकंड पीआईडी. स्टेज थर्ड में क्या होता है, एक्यूट सेल्पिंजाइटिस हो रही है साथ में सुपर इम्पोज विद द ट्यूबर अक्लूजन, यानी जब साथ में सेल्पिंजाइटिस के ट्यूबल अक्लूजन भी हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्टेज थ्री. स्टेज फोर में क्या होता है कि रप्चर हो जाएंगे ट्यूबर ओवेरियन एप्सिस, तो वो आएगी स्टेज फोर में, और अगर ट्यूबरकुलर सेल्पिंजाइटिस हो जाती है तो वो आएगी हमारी स्टेज थ्री के अंदर. यानी इन्होंने जो है गेंसविली ने क्लासिफाई किया स्टेजिंग की पीआईडी की फाइव स्टेजेस में बताया इन्होंने, और जिनकी स्टेजिंग थी ये बेस्ड थी अपॉन लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर. स्टेज वन में क्या होगा, एक्यूट सेल्पिंजाइटिस विद पेरिटोनाइटिस. स्टेज टू में एक्यूट सेल्पिंजाइटिस विद पेरिटोनाइटिस. स्टेज वन में क्या होगा, एक्यूट सेल्पिंजाइटिस होगी विदाउट पेरिटोनाइटिस.
स्टेज टू में एक्यूट सेल्फ एंजाइटिस विद पेरिटोनाइटिस होगी। स्टेज थ्री में क्या होगा, एक्यूट सेल्फ एंजाइटिस होगी विद सुपर इम्पोज ट्यूबल एक्लूजन। स्टेज फोर में क्या होता है, रप्चर ट्यूबोवेरियन एब्सिस होगी। स्टेज फाइव में क्या होगा, ट्यूबरकुलर सेल्फ एंजाइटिस होगी। ठीक है, उसके बाद जो होता है सीडीसी क्राइटेरिया क्या है। सीडीसी मतलब सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल क्राइटेरिया फॉर पीआईडी के लिए। इन्होंने ये 2015 की गाइडलाइन है, इन्होंने एक मेजर क्राइटेरिया बताया और एक माइनर क्राइटेरिया। तो मेजर क्राइटेरिया के अंदर क्या पॉइंट्स डाले इन्होंने, बोला सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस हो, अगर एडिनेक्सियल टेंडरनेस हो या फिर यूटराइन टेंडरनेस हो, इनके ये माइनर क्राइटेरिया के अंदर आता है। माइनर क्राइटेरिया में अगर सर्वाइकल मोशन में टेंडरनेस है, एडिनेक्सिया में टेंडरनेस है, ठीक है, या यूटराइन टेंडरनेस है, तो ये इनकी पॉइंट्स थे जो आ रहे थे माइनर क्राइटेरिया में। मेजर क्राइटेरिया में क्या पॉइंट्स हैं, मेजर क्राइटेरिया में अगर ओरल टेम्परेचर मोर देन 101 फॉरेनहाइट आ रहा है, ESR रेज्ड है, CRP रेज्ड है, एबनॉर्मल म्यूकोपुरिन डिस्चार्ज है फ्रॉम द सर्विक्स, या फिर लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इन्फेक्शन है फ्रॉम द नेसेरिया गोनोरिया या फिर क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस, या प्रेजेंस है अबंडेंट नंबर ऑफ WBC ऑन द सलाइन माइक्रोस्कोपी ऑफ द वेजाइनल फ्लूइड। ये इनके मेजर क्राइटेरिया के पॉइंट्स थे कुछ। तो इन्होंने बताया था कि अगर माइनर प्लस वन है या और प्लस टू है, यानी माइनर में से एक पॉइंट है या दो पॉइंट है, या फिर और मेजर के तीन पॉइंट है, तो ये इट इज़ अ कन्फर्म फॉर PID, यानी अगर माइनर में से आपको कोई एक पॉइंट मिल रहा है या दो, यानी एक में दो में कौन कौन से पॉइंट है, उसमें सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, यूटराइन टेंडरनेस, एडिनेक्सियल टेंडरनेस, में इनमें से आपको कोई एक पॉइंट मिले या दो पॉइंट मिले किसी पेशेंट के अंदर, और मेजर के आपको तीन मिल रहे हैं, जैसे कि इसमें उन्होंने बताया कि टेम्परेचर 101 से ज़्यादा है, ESR बढ़ा है, CRP भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, म्यूकोपुरिन डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द सर्विक्स से, या फिर लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन है इन्फेक्शन फ्रॉम द नेसेरिया या फिर क्लैमाइडिया, या फिर प्रेजेंस है एक्विवेलेंट नंबर ऑफ WBC ऑन द सलाइन माइक्रोस्कोपी ऑफ द वेजाइनल फ्लूइड। तो इनमें से अगर आपको कोई तीन पॉइंट मिलते हैं तो इट इज़ अ कन्फर्म फॉर द PID, यानी कि कन्फर्म है फॉर किसके लिए, कि इस पेशेंट के अंदर PID है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम क्या मिलेंगे आपको किसी भी पेशेंट के अंदर जिसको एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन होगा। अगर किसी पेशेंट को क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे एक्यूट PID वाले पेशेंट के अंदर, उसके अंदर बायलेटरल पेन होगा इन द लोअर एब्डोमेन के अंदर, वॉमिटिंग होगी, डिस्यूरिया होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होगी बिकॉज ऑफ प्रीसीडिंग एंडोमेट्राइटिस की वजह से, इन केस ऑफ एप्सिस पेशेंट ऑल्सो डेवलप सीवियर डायरिया, स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ लूज मोशन ड्यू टू रेक्टल इरिटेशन की वजह से होगा। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे एक्यूट वाले के अंदर, दोनों साइड में एबडोमिनल पेन होगा बायलेटरल, वॉमिटिंग होगी, डिस्यूरिया होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होगी, अगर एप्सिस बन गई होगी तो पेशेंट को बार बार डीवर डायरिया भी हो सकता है, स्मॉल क्वांटिटी लूज मोशन भी हो सकते हैं रेक्टल इरिटेशन की वजह से। इस तरीके के पेशेंट को जब हम एग्जामिन करेंगे तो ऑन एग्जामिन पेशेंट जैसा होगा इल होगा, टैकीकार्डिया प्रेजेंट होगा, डिहाइड्रेशन होगा उसके अंदर, ठीक है, कोटेड टंग मिलेगी, पर एस्कल्टेट करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंशन होगा विद टेंडरनेस एंड रिजिडिटी, फिर पर स्पेकुलम देखेंगे तो क्या देखेगा, प्लूरल डिस्चार्ज हो रहा होगा फ्रॉम द सर्वाइकल कैनाल से। उसके अलावा जब हम PV करेंगे तो सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस मिलेगी, फोनिक्स टेंडरनेस मिलेगी, जो कि इसके माइनर क्राइटेरिया में आपको मैं बता चुकी हूँ। अब बात आती है इसकी DD क्या बन सकती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है, यानी एक तो हमें सिम्टम मिल रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इसको अंदर पेशेंट के अंदर एक्यूट PID है, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है, तो इसकी DD क्या बनेगी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट PID हो सकता है पेशेंट को एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो। एक्यूट अपेंडिसाइटिस हम क्यों बोल रहे हैं, द पेन इज इनिशियली सेंट्रल अराउंड द एम्ब्लैकस, क्योंकि अपेंडिसाइटिस जब होती है तो पेन की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, इनिशियली सेंट्रल होती है अराउंड द एम्ब्लैकस एंड देन रेडिएट टू द राइट इलियक फोसा। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि शुरुआत जो होती है एम्ब्लैकस से होती है, फिर वो पेन जाता है रेडिएट करता है राइट इलियक फोसा की तरफ, वॉमिटिंग जो होंगी बहुत ज़्यादा सीवियर होंगी, बट टेम्परेचर इज नॉट एज हाई इन PID, मगर टेम्परेचर इसके अंदर इतना नहीं हाई होगा जितना PID में होता है। PID के टेम्परेचर हमने आपको क्या बताया था, मेजर क्राइटेरिया में ओरल टेम्परेचर मोर देन 101 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है, द लोअर मार्जिन ऑफ द अपेंडिकुलर मास कैन बी रीच, बट देर इज नो सो इन द केस ऑफ PID, वेजाइनल डिस्चार्ज एंड द मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आर नोटेड इन PID। जबकि अगर किसी को अपेंडिसाइटिस होगी तो उसके अंदर ये सब थोड़ी ना मिलेगा, वेजाइनल डिस्चार्ज है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, वो सब उसका नॉर्मल होगा, लेकिन PID वाले पेशेंट के अंदर हमें ये सब मिलेगा।
हो सकता है पेशेंट को एक्टोपिक जेस्ट्रेशन हो. इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग एंड पेन आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, सर्वाइकल मूवमेंट पेन होगा, ठीक है, टेंडर मास होगा, हो सकता है, और ऑल्सो द फीचर्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेबल इन द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. क्रोमोसोमल एबॉर्शन विद द हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया में मिमिक विद द एक्टोपिक प्रेगनेंसी से भी वो हो सकता है, मिमिक कर सकता है, क्योंकि एक्टोपिक का किसी का क्रिमिनल अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो, उसके साथ में एमेनोरिया की हिस्ट्री, तो उसको भी ऐसा लगेगा जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी. टेम्परेचर इज हाउएवर इज नॉर्मल और ओनली स्लाइटली रेज्ड इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. टेम्परेचर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तब कि किसी और कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक जेस्टेशन भी होगा तो उसमें भी टेम्परेचर इतना रेज नहीं होता. साइन ऑफ द इंटरनल हेमरेज एब्सेंट होंगे पी आई डी के, इंटरनल हेमरेज जैसी कोई बात ही नहीं है पी आई डी के अंदर, जो कि हमें एक्टोपिक जेस्टेशन में देखने को मिलेगी. उसके बाद वजाइनल डिस्चार्ज, लीकोसाइटोसिस है, ईएसआर रेज्ड है, ये सब इंडिकेट करते हैं करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ द पीआईडी. अल्ट्रासाउंड में रिवील बायलेटरल ट्यूब ओवेरियन मास. हो सकता है पेशेंट को डायवर्टिकुलाइटिस हो. डायवर्टिकुलाइटिस क्यों बोल रहे हैं, डायवर्टिकुलाइटिस में स्टिमुलेट द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ पीआईडी, बट इट इज यूजुअली अकर आफ्टर द एज ऑफ 50. डायवर्टिकुलाइटिस में जो सिम्टम मिलेंगे तो वो ऐसा लग सकता है आपको कि पेशेंट को पीआईडी है, लेकिन ज़्यादातर जो डायवर्टिकुलाइटिस होती है वो जो किस एज में होती है, कौन से एज ग्रुप के लोग होते हैं, जो 50 वाले होते हैं, ठीक है. लेकिन पीआईडी किन लोगों में होती है, यंग फीमेल के अंदर होती है, जो रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, ठीक है, जो सेक्चुअली एक्टिव होती हैं, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है. वेयर एज पीआईडी इज द डिजीज ऑफ यंग सेक्चुअली एक्टिव फीमेल, द साइन ऑफ इन्फेक्शन आर कन्फर्म टू द लेफ्ट इलेक फोसा इन द डायवर्टिकुलाइटिस, ठीक है. इसमें लेफ्ट इलेक फोसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है. कोई भी सर्वाइकल डिस्चार्ज नहीं होता तब के पीआईडी में होता है. उसके अलावा हो सकता है पेशेंट को कोई भी ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट हो, ठीक है. ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट क्या करती है, सडन पेन करती है इन द एब्डोमेन विद द ओकेजनल वॉमिटिंग होती है उसके अंदर, मगर पायरेक्सिस यूजुअली एब्सेंट होता है या फिर बहुत ज़्यादा लो होता है. मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, वजाइनल डिस्चार्ज भी एब्सेंट होते हैं, एंड द एब्डोमिनल लोब इज फेल्ट डिस्टिंक्टली, ठीक है, विच विल बी टेंडर एंड नॉर्मल साइज. यूट्रस इज फेल्ट सेपरेटेड फ्रॉम द लंब. अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल होता है, अल्ट्रासाउंड करके इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है. इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये भी सब क्या होती है, एसोसिएटेड विद द बॉवल एंड द यूरिनरी सिम्टम के साथ होती है, एंड इनके अंदर कोई हाई ग्रेड फीवर नहीं होता, कोई वजाइनल डिस्चार्ज नहीं होता. तो सो वजाइनल डिस्चार्ज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ आपका, एक टेम्परेचर वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट हुआ, ठीक है. उसके बाद होता है डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद रप्चर, कोई भी इंडोमेट्रियल सिस्ट रप्चर हो गई है, ठीक है, कोई सेप्टिक अबॉर्शन है या फिर कॉलीसिस्टाइटिस है. रप्चर्ड अगर कोई एंडोमेट्रिक सिस्ट रप्चर हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, वो भी मिस्टेक हो सकता है कि हम उसको डायग्नोज करते हैं पीआईडी के लिए, मगर जो पेशेंट जो होता है जिनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस होती है विल हैव सफर फ्रॉम द डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया एंड द पेल्विक पेन बिफोर दिस एक्यूट एपिसोड. उनके अंदर पहले क्या होता है, सिस्ट के रप्चर होने से पहले क्या होता है, वहाँ पे मेनोरेजिया होता है, डिसमेनोरिया होता है, पेल्विक पेन होता है. बिसाइड द पेशेंट इज एफिब्राइल एंड हैज नो वजाइनल डिस्चार्ज, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सेप्टिक अबॉर्शन अगर होगा तो वो भी मिमिक कर सकता है, पीआईडी के क्लिनिकल फीचर्स उसमें भी मिल सकते हैं, लेकिन एमेनोरिया प्रोसीड करता है. द एब्डोमिनल पेन इज प्रेजेंट इन द सेप्टिक अबॉर्शन. एब्डोमिनल पेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एमेनोरिया होता है पहले, फिर उसके बाद एब्डोमिनल पेन जो कि प्रेजेंट होता है किसी भी सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर. एंड ट्रीटमेंट अगर एंटीबायोटिक्स से देंगे सिमिलर इन बोथ दिस कंडीशन. कोलिसिस्टाइटिस से क्या है, ओकेजनली अ वुमन विद पीआईडी कंप्लेंस ऑफ एक्यूट राइट साइडेड अपर एब्डोमिनल पेन. अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर पीआईडी है वो ज़्यादातर कंप्लेन करती है एक्यूट राइट साइड पेन, अपर एब्डोमिनल पेन, स्टिमुलेटिंग कोलिसिस्टाइटिस, स्टिमुलेटिंग पेनिटी. दिस इज किस वजह से होता है, ड्यू टू द फाइब्रस बैंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द राइट एडिट जंक्शन टू द सेंटर सरफेस ऑफ द लीवर इन पी आई डी कॉजिंग गोनोकोकल एंड द कैलामाइडियल इन्फेक्शन. दिस गो बाय द नेम ऑफ फ्यू हाइकर्टिस सिंड्रोम. जैसे कि आप जानते हैं इसको हम अलग आपसे कभी डिस्कस करेंगे फ्यू हाइकर्टिस सिंड्रोम क्या है, जो कि हम इसे पालपेट करके पता कर सकते हैं. उसके बाद आती है इन्वेस्टिगेशन की. इन्वेस्टिगेशन, सो गाइज दिस इज ऑल दैट आई कवर इन द सेकंड पार्ट ऑफ पीआईडी. आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड. इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.